हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज द पार्ट 9th ऑफ द सीरीज 2000 एमसीक्यूज फॉर द अपकमिंग जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम। इससे पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इस सीरीज में आपको 2000 एमसीक्यूज मिलेंगे फॉर द अपकमिंग जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम। तो फिर शुरू करते हैं। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल 291st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग इज फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर रीजन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन बैथ। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैन उल अबिदीन इन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान। सो नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज रबाब। एंड गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम। मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, मॉक टेस्ट देखे खुद को एनालाइज नहीं करते कि कहाँ पे उनकी वीकनेस है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा हमारी ऐप का, आपको डाउनलोड कर लीजिए। जस्ट ओनली 149 रुपीज़ है। इसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे प्लस 40 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। ज़रूर इसका बेनिफिट उठाइए। मैं सभी स्टूडेंट्स से रिकमेंड करूँ, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करें हो, खुद की एग्जाम प्रिपरेशन को टेस्ट कीजिए, जहाँ भी आपकी वीकनेस है उस पर काम कीजिए विद अवर मॉक टेस्ट। सारे डिटेल्स आपकी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक सारे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी आती है आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द सुफियाना कलाम केम टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस। तो कहाँ से इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, ईरान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज। मानसर लेक एंड सुरेंसर लेक आपको मिलेगी। एंड 2005 में इन्हें रामसर वेट लैंड लेक डिक्लेयर किया गया था। एंड यू नो रिसेंटली हमारी TSO कर लेक है जो आपको लद्दाख में मिलेगी, उसे भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। एंड ये कौन सी माउंटेन रेंज में है मानसर लेक, आपको ये बताना है। तो ये है जी हमारी शिवालिक रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधरबल टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये मिलेगा आपको आंसर लेक के किनारे। लेक पर एक्सीलेंस, ओके, लेक पर एक्सीलेंस ये कहा गया था डल लेक को। किसके द्वारा कहा गया था, सर वॉल्टर लॉरेंस द्वारा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया किसके द्वारा लेक पर एक्सीलेंस कहा गया डल लेक को, या कौन सी लेक को कहा गया, ये भी पूछा जा सकता है सर वॉल्टर लॉरेंस द्वारा। फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म मेंस रात। एंड गाइस, ये वीडियो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आफ्टरनून में वीडियो अपलोड की थी, आपको क्लैरिटी विजिबल नहीं थी, बोर्ड पे वीडियो था। सो दिस इज़ द रीज़न कि इसको मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। एंड आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें गाइस, आप लोगों के लिए ही उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, तो इस वजह से इसको फिर से हमने टाइप किया। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, ओके। छोटा लंदन किसे बोलते हैं, हम सुपर को, अपर टाउन भी सुपर को ही बोलते हैं, ओके। टोटल एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, अब आपको ये टोटल एरिया न्यू वाला याद रखना है। टोटल हमारा लद्दाख यू नो सेपरेट हो चुका है, तो नाउ टोटल एरिया है हमारा 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर हमारा 8वां यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू इंडिया का, ओके। पहले 8वां बना जम्मू एंड कश्मीर एंड 9th वन बना था लद्दाख। नाउ अगर टोटल यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो टोटल अभी 8 ही है, ओके। दमन एंड दीव एंड नागरा एंड दादरा हवेली का मर्ज हुआ था, वो अपने ध्यान रखना। टोटल 8 एंड जम्मू एंड कश्मीर 8वां यूटी बना था। नाउ जम्मू एंड कश्मीर लिख 4 राज्यसभा सीट्स ये आपको पता होनी चाहिए एंड 5 लोकसभा सीट्स यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं श्रीनगर को, ये आपने याद रखना है, ओके। एंड लैंड ऑफ स्प्रिंग्स हम बोलते हैं अनंतनाग, ओके। गाइस देखो, कुछ बुक्स में आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगी जम्मू एंड कश्मीर की, आप हिस्ट्री जब पढ़ने आएंगे देर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है हर केस में। बट NCERT एंड अदर बुक्स को अगर रेफर करेंगे तो आपको अनंतनाग ही याद रखना है, ओके। अनंतनाग ही है जो बुक है, लाइक जो लैंड ऑफ स्प्रिंग्स हम अनंतनाग को ही बोलते हैं, तो ये आपने अनंतनाग ही याद रखना है। सुप्रीम जेम ऑफ लेक्स हम बोलते हैं मानसबल लेक को, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। एंड न्यू चेयरमैन ऑफ JKPSC कौन बने, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, BR शर्मा, ब्रिजराज शर्मा, ये आपने याद रखना है, ओके। इंडियन पिनल कोड रिप्लेसेस रणबीर पिनल कोड, यू नो इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में रणबीर पिनल कोड था, नाउ 370 के टूटने के बाद इंडियन पिनल कोड ने इसे रिप्लेस किया, तो ये आपने याद रखना, ओके। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अब इम्पोज हो सकती है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये कुछ चेंजेस हैं जो UT बनने के बाद हुई हैं, ओके। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब इम्पोज हो सकती है जो है जी अंडर आर्टिकल 360, तो ये भी आप याद रख सकते हो। लैंड ऑफ बौलीज एंड देविका, तो ये है जी हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं लैंड ऑफ बौलीज एंड देविका।
नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ यूनिट्स, इंटेंसिटी का यूनिट है ये। ओके, व्हेन डिड शिमला एग्रीमेंट, ये कब साइन हुआ था, 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट। थॉमस कप, ये किसके साथ रिलेट करता है, ये बैडमिंटन का कप है। ओके, ये क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स से भी पूछे जाने वाला है। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द डिकेड, अभी रिसेंटली ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुने गए हैं जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी, तो ये इनका नाम आपने याद रखें। सर गैरी फील्ड्स ट्रॉफी से सम्मानित हुए हमारे विराट कोहली। ओके, तो ये नाम आपने जरूर याद रखने। ओके, सो गाइस इस पार्ट में हमने किए टोटल 25 क्वेश्चंस, एंड देखो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, टाइमली कंप्लीट होंगे, डोंट नीड टू वरी कि 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे या नहीं, हो जाएंगी। ओके, एंड बस आप फोकस कीजिए अपनी एग्जाम प्रिपरेशन पे, मॉक टेस्ट से खुद को चेक करते रहिए, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में खुद को जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, मॉक टेस्ट देके, तब तक आपको खुद की एग्जाम प्रिपरेशन का कोई भी आइडिया नहीं लगेगा। ओके, सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। PDF के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी मॉक टेस्ट का बेनिफिट जरूर आई, मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिकमेंड करूँगा। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून।